अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मोहतरम नाजरीन, इससे पहले हमने इस्म ज़र्फ को पढ़ा था, आइए आज हम इस्म मुश्तक में से इस्म आला पर बात करते हैं। इस्म आला क्या है तो मालूम होना चाहिए। इस्म आला, आला कहते हैं औजार को, उर्दू में आला का माना आते हैं औजार, सामान। इस्तिला में इस्म आला वो इस्म है जो कोई काम करने का जरिया हो, इसको इस्म आला कहते हैं। मिन शारुन के माना आते हैं आरी के, यानी काटने का सामान। अब देखिए इसके तीन औजान आते हैं, मिफालुन, मिफालतुन, मिफालुन। मिफालुन, मिफालतुन, मिफालुन, ये बात याद रखिए कि ये तीनों औजान फेले सुलासी मुजरद से आएंगे, और अगर गैर सुलासी मुजरद यानी सुलासी मजीद फी वगैरह से बनाना है तो उसमें हम क्या करेंगे कि हर फेल का जो मसदर होगा उसके शुरू में लफ्ज आला या उसके जैसा कोई वर्ड को मुजाफ बनाकर उस फेल के मसदर को मुजाफिले बना देंगे। जैसे कि देखिए खिताल बनाना है आपको इसमें आला, तो क्या करेंगे, आलतु अल किताल, आलतुल किताली, ऐसा हम बना देंगे सुलासी मुजरद के अलावा अफाल में। एक बात याद रखिए कि किसी एक फेल से इसमें आला की ये तीनों औजान भी बन सकते हैं, लेकिन जो वजन जिस फेल से ज्यादा इस्तेमाल है अहले अरब उसी वजन को इस्तेमाल करते हैं। मसलन अभी आपने देखा नशरा का एक वर्ड है, इसके माने आते हैं काटने के। नशरा का जब इसमें आला हम बनाएंगे तो बनेगा मिन शारुन। तो अहले अरब जो है इसको, इस वर्ड को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस फेल का इसमें आला ज्यादा इस्तेमाल ये वाला वजन होता है। तो हर फेल से इसमें आला का तीनों वजन बन सकता है, लेकिन जो वजन जिस फेल से ज्यादा इस्तेमाल होता है अहले अरब उसको इस्तेमाल करते हैं। अब पहला वजन क्या था, मिफालुन। मिफालुन ये वाहिद के लिए, इसका तस्निया क्या बनेगा, मिफालानी। जमा क्या बनेगा, मफाइलू। पहला वजन। दूसरा वजन क्या था, मिफालतुन, इसका तस्निया क्या बनेगा, मिफालतानी। जमा क्या बनेगा, मफाइलू। पहले में पहले वजन का जमा और दूसरे वजन का जमा भी एक ही रहेगा, सेम ही रहेगा। मिफालुन, इसका तस्निया मिफालानी, जमा मफाइलू, इसकी जमा आती है। ये दो वजन का जमा एक ही है और तीसरे का जमा अलग है। अलबत्ता ये तीनों जमा जो है ये गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ क्या है, ये आप जब आगे क्लास पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में वहां पर आपको मालूम हो जाएगा। अब यहां पर बाज लोगों ने ये तीन औजान होने की वजह से इसमें आला की तीन किस्में भी की हैं। बाज लोगों ने कहा कि इसमें आला की तीन किस्में हैं, इसमें आला सुगरा, इसमें आला वुस्ता और इसमें आला कुबरा। इसमें आला सुगरा क्या, वो इसमें है जो काम करने के छोटे आले को बताए। इसमें आला वुस्ता क्या है, जो काम करने के दरमियाने आले को बताए। इसमें आला कुबरा क्या है, जो काम करने के बड़े आला को बताए। इस अरदान वही है, मिफालुन अभी आपने देखा, मिफालानी, मफाइलु, इसका तर्जमा यूं किया जाता है, काम करने का छोटा आला, काम करने के दो छोटे आले, काम करने के तीन, काम करने के बहुत से छोटे आले। इसका भी इसी तरह से मिफालतुन, फालतानी,
मफाइलू, काम करने का एक दरमियानी आला, काम करने के दो दरमियानी आले, काम करने के बहुत से दरमियानी आले, इस तरह से किया। मिफालुन, काम करने के, काम करने का एक बड़ा आला। मिफालानी, काम करने के दो बड़े आले। मफाइलू, काम करने के बहुत से बड़े आले। तो इसमें आला भी बनता है फेले मुजारा मुस्वत मारूफ से। फेले मुजारा मुस्वत मारूफ क्या है आपने देखा इससे पहले बारहा, या फालू, ये फेले मुजारा मुस्वत मारूफ है। कैसा बनाएंगे? अलामत मुजारे को हस्व करेंगे और इसमें आला की जो अलामत है जेर वाला मीम यहाँ पे रखेंगे। अब हो जाएगा मिफालू, इस पेश को तनवीन से बदल देंगे, मिफालून हो जाएगा। दूसरा वाला इसी तरह से क्या करना है, आखिर में गोल ता को ऐड कर देना है। मिफालून से हो जाएगा मिफालतुन और यहाँ पर लाम के पेश को जबर लगा देना है, या फालूस हो जाएगा मिफालतुन। और इसको भी इसी तरीके से इसमें आला का अलामत जेर वाला मीम ऐड करना है, अलामत मुजारे को हस्प करके उसके बाद आयन और लाम के दरमियान एक अलिफ ऐड करना है, या फालूस हो जाएगा मिफालुन। तो ये तीनों औजान के बना